जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाटर स्नैक नॉन बनेबल स्नैक है, इसमें जहर नहीं पाया जाता है। जैसे इंग्लिश में इसे चिकन किलबैक स्नैक नाम से जाना जाता है। ज़्यादा करके ये पानी में रहता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल कोबरा रेस्क्यू में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एनिमल सांपों से रेप्टाइल से जितनी भी जुड़ी जानकारी है आपके मोबाइल तक आता रहे। जैसे कि अभी भी फोन आया, किसी के घर के आसपास कुछ सांप दिखा गया, तो उस समय मैं आया हूँ सांप को रेस्क्यू करने के लिए। तो चलिए उस इंसान से मिलाता हूँ जिसने मुझे फोन किया, बुलाया। किसने फोन किया था आपने? आप फोन किया था, आप अपना नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम है रजत कांति सरकार, रविंद्रपल्ली कुकड़ा स्टेशन मोड़। हम दोनों मिलके ये तो देखे, ये सांप तो आज देखे, हम लोग सांप पहचानते नहीं है ये कौन सा सांप है नहीं है, लेकिन मेरा पाड़ा में ऐसा बहुत सारा सांप घूमता है, डर तो लगता है। कोई अचानक आके बोला जो यहाँ पर कोई सांप लेके जाता है, पकड़ के रेस्क्यू करके लेके जाता है। नंबर एक तो पप्पू, पप्पू बोल के कोई सरदार जी नंबर दे दिया, वहीं से लिया। भाई लोग को बोले आया, थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन आए, आके अभी उन्होंने अपना काम करेंगे अभी। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट कराता हूँ। यहाँ के लोग भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जागरूक लोग हैं, कि सांप को मारने का काम नहीं किए, कॉल किया बुलाया, तो थोड़ा सा लेट हो गया, मैं आया हूँ सांप को रेस्क्यू करने के। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, रेस्क्यू करता हूँ, बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये इंडियन जो इंग्लिश में जो नाम है इनका, इसको जूम करो थोड़ा, देखा यहाँ इंडियन, इनका इंग्लिश में जो नाम है इंडियन किलबैक स्नैक नॉन वेनमस स्नैक होता है। हमारे घर के आसपास बरसात में ज्यादा करके ये निकलता है। इनका जो पसंदीदा भोजन है इसका है मेंढक, मेंढक है तो उसके तलाश में आसपास के घरों में जो बरसात के टाइम में जो आ जाते हैं। चाचा घाटों दुख देगा। ये जो है कभी कभी कोबरा की तरह भी खड़ा है, तो इसके वजह से आदमी लोग बहुत कुछ डर जाता है, भय होता है कि ये कौन सा सांप है, तो पहचानने में गलती होता है। ये वाटर स्नैक है, ये नॉन वेनमस स्नैक होता है, ये पानी में ज़्यादा करके रहता है। ये हमारे नेचर में इसको जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेंगू और मलेरिया जो मच्छर अपना जो लार्वा होता है ये अपना पानी में छोड़ता है, ये उसको खा के अपना जीवन व्यतीत करता है। उससे रुकिएगा, और उनका जो लार्वा को खा के अपना जीवन व्यतीत करता है, तो हमारे नेचर में ऐसे सांपों को जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं इसे रेस्क्यू कर लेता हूँ। अच्छा भाई, इसको पैक कर लेता हूँ, निकाल दिया। फुर्तीला होता है, फुर्तीला होता है, ये बहुत जल्दी भागता है।